अच्छा सर, हम जब बात करते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस की IAS 20 की, तो सवाल ये पैदा होता है कि सर गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट? क्या ये अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इज़ इट ओनली पाकिस्तानी गवर्नमेंट, या फिर ये अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई और कंट्री की गवर्नमेंट होती है तो वो भी IAS 20 के तहत गवर्नमेंट की डेफिनेशन में फॉल करती है? या बाज़ुकात जो है गवर्नमेंट एंटिटीज़ होती हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SSCP, अगर स्टेट बैंक जो है कोई असिस्टेंस दे रहा है बैंक्स को, तो क्या वो गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? तो सर हम इसको ज़रा देख लेते हैं। फॉर द पर्पजेज ऑफ IAS 20, ये स्टैंडर्ड से मैंने डेफिनेशन जो है ये रेप्लिका की है। द टर्म गवर्नमेंट रेफर्स नॉट ओनली टू अ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एज इज जनरली अंडरस्टूड, बट ऑल्सो गवर्नमेंट एजेंसीज, सिमिलर बॉडीज, वेदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। इट मीन्स कि गवर्नमेंट में सिर्फ पाकिस्तानी या लोकल गवर्नमेंट नहीं आती, बल्कि दुनिया भर की जितनी गवर्नमेंट्स हैं वो सब की सब आती हैं। और उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, सही है, या लोकल बॉडीज हैं, KMC DMC, वो भी गवर्नमेंट की डेफिनेशन में फॉल करती हैं फॉर द पर्पजेज ऑफ IAS 20।